वेलकम, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मच अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर 24 फरवरी को रिलीज हुआ। संजय लीला बंसाली ने अपनी फिल्म का टीजर अपने जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया गया था। टीजर में आलिया के रोल की काफ़ी तारीफ हुई। फिल्म 30 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म में आलिया भट्ट माफिया क्वीन गंगूबाई काठियावाड़ी का रोल निभाएंगी। अब नई रिपोर्ट्स है कि फिल्म में अजय देवगन भी अहम रोल निभाते नजर आएंगे। अजय देवगन एक गैंगस्टर के रोल में नजर आएंगे। वैसे बात बड़े पर्दे की करें तो अभी तक काफ़ी गैंगस्टर फिल्में बन चुकी हैं, और जितने भी गैंगस्टर पर फिल्में बनी हैं उनमें से हाजी मस्तान सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनी हैं। लेकिन आज हम इस डॉन की नहीं बल्कि अब गंगूबाई काठियावाड़ी के डॉन करीम लाला की बात करेंगे। बात करें तो इस फिल्म में अजय देवगन माफिया डॉन के किरदार में नजर आने वाले हैं। जब से अजय ने गंगूबाई की शूटिंग शुरू की तब से सभी के मन में यह सवाल है कि गंगूबाई में करीम लाला के रोल में इस बार अजय कैसे लगेंगे, आखिरकार उन्होंने इस बार कैसी तैयारी की है, ये अजय के फैंस जानना चाहते हैं। वैसे तो अजय देवगन की फैन फॉलोइंग कितनी है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं। अब इसलिए फैंस इनके फर्स्ट लुक को देखने के लिए बेकरार हैं, आखिर कब आएगा अजय का फर्स्ट लुक। और अब फैंस की ये बेकरारी तो इस फिल्म से अजय देवगन का फर्स्ट लुक आने के बाद ही पता चलेगा। बता दें कि अजय और संजय ने 1999 में आई हिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम में साथ काम किया था। दोनों 21 साल बाद अब साथ में दोबारा काम करने जा रहे हैं। वर्क फ्रंट पर अजय अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मेडे में नजर आएंगे। इसके अलावा मैदान को लेकर भी अजय देवगन चर्चा में है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।